हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ, ये दो मक्का है, इसका बर्फी। इसके लिए मैं दो मक्का ली हूँ, ये चीनी है, ये घी है, ये फ्रूट कलर है, और पानी में घोर के मैं रखी हूँ। ये नारियल की बुरादा है, ये मूंगफली के बुरादा है, ये सूखी दूध है, ये नारियल है, ये काजू है, ये बादाम है। चार छोटी इलायची कूट के मैं कटोरी में रख ली हूँ। ये जो भुट्टा है मक्का, वो हमारे किचन गार्डन में हुआ है। इसको मैं छील के दाना निकाल के मैं लाती हूँ। ये मक्के के दाना मैं निकाल के साफ करके ले आई हूँ। अब मैं ये कढ़ाई में घी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें मक्का डाल देती हूँ। याद रखना, ये जो मक्का मैं तल रही हूँ वो बिल्कुल कच्चा मक्का है। अगर सूखा मक्का रहेगी तो लावा के तरह फूटने लगेगी, और एकदम धीमी आंच में मैं पका रही हूँ। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। बस मेरा इतना ही मक्का। बार डाल देती हूँ। अब मेरा ये भी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करूंगी, और ठंडा करके मिक्सी में पीसूंगी। ये मिक्सी में मैं पीस के ले आई। अब मैं इसमें चीनी डाल के चाशनी बना रही हूँ। इसके लिए मैं चीनी डाल दी, इसमें आधी गिलास पानी डाल दी। अब इसमें मैं ये इलायची डाल देती हूँ, और ये नारियल के बुरादा है, मूंगफली के बुरादा है, और सूखा वाला जो दूध है, ये तीनों मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी सा ये रंग डाल देती हूँ। अब मेरा ये चिपचिपी सी हो गई है चाशनी। अब मैं इसमें ये मक्का भुट्टा जो भी आप बोलते हो ये डाल देती हूँ। अब मेरा ये होने वाला है, थोड़ी देर और मैं इसको पकाऊंगी। ऐसे तो आदमी बनाते हैं सारे बेसन के बर्फी, लेकिन आज मैं सोची क्यों नहीं मैं भुट्टा के बना के दिखाऊं बर्फी। ये भी खाने में बहुत अच्छे लगता है, और कितने देख भी लेंगे कि हाँ भुट्टा के भी बर्फी होती है। मक्के के आटा भी कितने फायदे के चीज होती है, मक्के के दलिया भी कितने फायदे के चीज होती है। तो आज मैं सोची मक्के की बर्फी भी बना दूं। अब मेरा ये हो गया है, अब इसको मैं बंद करती हूँ, और ये थाली में मैं घी लगा ली हूँ। अब ये थाली में ही मैं निकालती हूँ। अब इसमें नारियल घसी हुई है, ये सुंदर के लिए मैं डाल देती हूँ ऊपर से। थोड़ा सा ये बादाम काट के रखी हूँ, ये भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये काजू है, ये भी डाल देती हूँ। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, फिर मैं इसको काटूंगी। अब मेरा ये ठंडा हो गया मक्का के बर्फी, अब मैं इसको काटती हूँ। यह देखो मक्का और भुट्टा का कैसी बर्फी बनी है, बिल्कुल मुलायम नरम है। अगर हमारे भुट्टा के बर्फी आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना।